नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। चुनावी सफर पहुंच चुका है राजस्थान की राजधानी जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा में, उस विधानसभा क्षेत्र में जहां के लिए कहा जाता है कि यहां का सुनियोजित विकास लोगों को लाभ पहुंचाएगा। लेकिन यहां के कई सारे बड़े मुद्दे हैं, उन मसलों को लेकर के लगातार यहां के लोग अपनी आवाज उठाते रहे लेकिन कई बार उनकी सुनवाई नहीं हुई। यहां के मौजूदा विधायक हैं नरपत सिंह राजवी, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मगर विधायक के कामकाज से यहां की जनता कितनी संतुष्ट है और असंतुष्ट है और कितना खरा उतर पाए हैं विधायक जी अपने कामकाज को लेकर के और कितनी तस्वीर बती है विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की, तमाम सवालों के जवाब लेंगे उस मौजवीर जनता से जो अपने मतदान का प्रयोग करके अपने विधायक को कुर्सी तक पहुंचाती है। तो शुरुआत करते हैं बातचीत की और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के विधायक का कामकाज कैसा रहा, बताइए। देखिए साहब, आप जनता के बीच में आए हैं, आप खुद जानेंगे जिस तरीके से 15 साल हो गए, ये थर्ड टर्म है उनका, तीसरी बार से इस विधानसभा में विधायक बने हैं वो। ये नई परिसीमन होकर जब 2008 में बनी थी तब से लगातार भैरव सिंह जी के नाम से जीत रहे हैं, कामकाज कुछ है नहीं। जब चुनाव आता है एक्टिव होते हैं, एक दो महीने में काम के लिए जनता को दर्शन देंगे, इसके अलावा कभी काम नहीं किया। जयपुर शहर की विधानसभा होते हुए आज इसमें इतना काम था उनके लिए, मुझे तो लगता है कि इतने वर्षों के बाद में इन 4.5 साल में इनसे जो पराजित उम्मीदवार हैं सीताराम अग्रवाल जी, उन्होंने जनता की सुध ली है और काफ़ी कुछ काम कराया है। आप जानने मोहल्ले में देखेंगे, अनेक वार्डों में जाएंगे, पेयजल समस्या इतनी ज़्यादा थी, बेनार्ड रोड पे लगभग 1.5 लाख की आबादी पानी के लिए दिन रात परेशान रहती थी। उन्होंने सरकार से गुजारिश की और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाके दिया है कि आम जनता इस बात को जरूर महसूस करेगी, जो जनता के लिए काम करेगा विधायक उसी को बनना चाहिए, विधायक उसी को बनना चाहिए। आप ये बताइए, मौजूदा विधायक ने क्या वादे किए थे पिछले चुनाव में जो अधूरे रहे या पूरे हो गए, कौन कौन से वादे उनके पूरे कर पाए हो? उन्होंने सैटेलाइट हॉस्पिटल का वादा 15 सालों से कर रखा है, अभी तक उनका खुद का पता नहीं हो वो कहाँ है, हॉस्पिटल तो कहाँ से आएगा, उनको मतलब नहीं जनता से, सुख में दुख में उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने बंगले से मतलब है, अपने बंगले पे रहते हैं, जिसको जाना है उस वो मिल नहीं सकता, यहाँ आते नहीं है, उनका विकास कार्य के नाम से जीरो है, विकास कार्य के नाम पर जीरो है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मौजूद है, उनसे जानते हैं, विकास कार्य के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जीरो है। देखिए, ये जनता सब जवाब देती है, 15 सालों का इतिहास सब जानते हैं, मैं इस बारे में क्या कहूँ, सब जनता बता रही है आपको, आप सुनिए जनता से। पर इतना जरूर कहूँगा कि जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता के हितों के लिए, जनता के भले के लिए काम करता है। आपको यदि मौका दिया, 3 बार विधायक रहे, काम करो, काम करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी रीति रिवाज है, हमारे माँ हैं, RSS हमारी माँ है, हम रेस्पेक्ट करते हैं, पर जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच में आके काम करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत कुछ पेंडिंग है, पेंडिंग काम नहीं हो पा रहा है, बहुत कुछ पेंडिंग है। क्या क्या पेंडिंग लगता है, कैसा होना चाहिए विद्याधर नगर की, कितनी तस्वीर बदल पाए नरपत सिंह राजवी? देखिए, 15 साल लगातार दर्पण जी ने राज किया है, लेकिन जो काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं। कौन से काम होने चाहिए थे? सैटेलाइट का वादा था, सीवरेज का भी बहुत समस्या है, जैसे आप कुछ ऐसी जो आम जनता को बहुत परेशानी होती है, छोटे मोटे काम नहीं किया घर से बाहर नहीं निकले। क्या नाम है आपके इलाके के विधायक का? नरपत सिंह राजवी। अच्छा, आखिरी बार कब देखा था? पिछले 5 साल पहले देखा था। अच्छा, क्या काम किया उन्होंने, ये तो बताइए। काम कर रहा है सर, घर पे आराम कर रहे हैं, वो लॉलीपॉप देना जानते हैं जनता को, पिछले 15 सालों से दे रहे। आपको भी लॉलीपॉप दिया? अरे सर, पूरी जनता को दे रखी है पिछले 15 सालों से, पूरी जनता को दे रहे, पूरी विद्याधर के 2.5 लाख। तो क्या वादे क्या किए थे उन्होंने, कोई वादा नहीं निभाते वो? सर, कोई वादा नहीं निभाते, चुनावी माहौल में आ जाते हैं, जो काम करता है उसकी बुराइयां कर देते हैं, ये किया वो किया, 4.5 साल से उनको पानी का दिख नहीं रहा, कल उन्होंने बोला पानी की समस्या 4.5 साल में उनको दिखी नहीं, अब बाहर निकले तो समस्या उनको तो प्रदर्शन कर रहे हैं, मटकी फोड़ने निकले कर रहे हैं ना, खुद के कार्यकर्ता लेके। अच्छा, खुद के कार्यकर्ता लेके। आप बताइए, कितना संतुष्ट है मौजूदा विधायक, कितनी तस्वीर बदली है? संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आराम किया और आराम ही कर रहे हैं, अब थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। अब तो हिसाब का समय आ गया, हिसाब लोगे? बिल्कुल लेंगे हिसाब। क्या लोगे हिसाब में? सीताराम जी को जिता के हिसाब लेंगे। अच्छा, उन्होंने कौन से वादे किए थे जो अधूरे रह गए, किस किस काम के, किस विकास के, किस डेवलपमेंट की जरूरत लगती है विद्याधर नगर? विद्याधर नगर में बहुत सारा काम करना है, जब सबसे मेन है पानी की समस्या, जो कि बिल्कुल नहीं है, ना कि हॉस्पिटल प्रॉपर है, यहाँ पे कुछ भी साफ सफाई नहीं हो पाती, आप देखोगे तो सबसे नीचे
पिछला जो विद्याधर नगर इलाका रह चुका है हमारा, नहीं तो 15 साल इतना अच्छा टाइम दिया था, इसमें बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आप देखोगे सीकर रोड में इतना पानी भर जाता है तो वो रोड नहीं दिखती, वो तालाब बन जाता है, नदी बन जाती है पूरी, जिसमें हमें ट्रैक्टर चलाना पड़ता ताकि लोगों को हेल्प कर सके। तो देखिए नदी बन जाती है, पानी की कमी है, लेकिन बारिश में नदी बन जाती है, बारिश का पानी बचाया भी तो जा सकता था। बचाए कहाँ से साहब, इकट्ठा हो गया, बचाने के लिए प्रोग्राम बनाए, विधायक साहब कोई ऐसा चीज करे सारा पानी स्टोर क्या होना चाहिए, वो कोई बड़ा इसको स्टोर करने का प्रोविजन। अच्छा नए विकास के कार्य क्या होने चाहिए, डिमांड क्या जनता की इस बार? पार्कों की दुर्दशा होनी पड़ी है, पब्लिक पानी के लिए त्राहिमाम करती है, पिछली आज तक कभी पानी की समस्या नहीं हुई, लेकिन इन 5 सालों में तो हर आए दिन 10-10 दिन की पानी की कटौती हुई। कल तो विधायक जी खुद मटकी लेकर के पानी लेने गए थे। ऐसा आपने तो देखा, आपने नहीं देखा? आखिरी बार कब देखा आपने विधायक को? मैंने तो शायद 4.5 वर्ष चल गई थी क्या, चुनाव के अंदर देखा। देखिए बड़ी बात है, विधायक की गैर मौजूदगी पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि विधायक जी आखिरकार रहते कहाँ हैं? हमारे साथ काफी सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं, आप बताइए कहाँ जाते हैं विधायक जी? विधायक का तो काम होता है जनता के बीच में, तो कहाँ गए विधायक जी? अब वो तो उनको बताओ कहाँ है विधायक जी, हमारे को तो कभी दिखते नहीं है 4.5 साल। जनता हिसाब मांग रही है? बिल्कुल मांग रही है सर, यहाँ पे बहुत समस्या है, जैसे आज यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सैटेलाइट हॉस्पिटल की। उन्होंने अपने उसमें पहले भी दिया था कि भाई मैं यहाँ सबसे पहले विधायक बनते सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाऊंगा, या डेरगा वाला जिसके रोड पे जल भराव की समस्या है उसको मैं सलटाऊंगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 4.5 बंगले पे रेस्ट किया उन्होंने, उनके पैसे लेस हो रहे हैं। बंगले पर रेस्ट किया, अस्पताल बनने से कितना परिवर्तन आएगा सर, कितनी मदद मिलेगी यहाँ लोगों को? पब्लिक को मदद मिलेगी और यहाँ चिकित्सा का हो जाएगा। आप बताइए, आप इलाके के पार्षद भी रहे, मौजूदा विधायक के कामकाज से कितना संतुष्ट है? हमने देखा ही नहीं कामकाज क्या करेंगे, जब वो बाजार में होंगे, मार्केट में होंगे, क्षेत्र में होंगे, जब देखेंगे ना, दिखते ही नहीं वो। आखिरी बार कब देखा था आपने अपने चश्मे से? 5 साल पहले देखा था वोटों में। आपके इसी चश्मे से देखा था? बिल्कुल इसी चश्मे से देखा था। कैसे दिखते हैं वो? वो जैसे दिखते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं है, पब्लिक से मिलते नहीं है, काम कुछ करते नहीं है। जब वो मिलते नहीं है, जुलते नहीं है, फिर भी 15 साल राज करने के लिए दे दिया आप लोगों ने? जो पार्टी है जो ऐसा ही है। अच्छा कौन से बड़े बड़े मुद्दे क्या है यहाँ पर, बड़े मुद्दे क्या है इस चुनाव के? यहाँ बड़े मुद्दे तो एक पानी की समस्या है बहुत भयंकर, सड़कें टूटी हुई है, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी के साथ साथ सैटेलाइट हॉस्पिटल की समस्या है। अब समस्या तो निदान करे जब ने, वो आते हैं जब आए जाए करे ना, उनको बजट मिलता है, उनसे पूछा जाए को बजट जाता कहाँ है, सारा बजट जाता है कहाँ जाता है, उनसे पूछा जाए साहब वो कहाँ जाता है, या तो हो सकता है कि उनकी तिजोरी में जाता होगा या लैप्स हो जाता होगा, उनका हिसाब लेगी उनसे तो। लेकिन आप बताइए विकास की क्या दरकार है, कौन कौन से बड़े काम है जिनकी इंतजार में आज भी आप लोग बैठे हैं? सारा इंतजार है, जो 4.5 साल में सिद्धराम जी ने किया है वही विकास है, इसके अलावा 15 साल में कुछ नहीं देखा। एक हारा हुआ विधायक काम, एक हारा हुआ प्रत्याशी काम कर रहा है, लेकिन जीता हुआ नहीं कर रहा है। आपको बताऊं कि जीता हुआ नहीं कर रहा है क्यों? क्योंकि ये वो कह के गया है कि मेरे केवल कमल को जिताते हैं, मेरे को नहीं जिताते हैं, तो इसका मतलब जनता बेवकूफ थोड़ी। अब समझ, जनता समझ गई है, जनता समझदार हो गई है। हाँ बिल्कुल समझेगी, 15 साल में जनता समझदार हुई है। हाँ जनता समझदार हुई है 15 साल में। अजी तो ये यहाँ तो वो उल्टा जाति धर्म का नारा देके आ जाते हैं। 15 साल में उनका विधायक कोष का पैसा के भी हिसाब ले तो उन्होंने बताओ कि इस विद्याधर नगर के लिए क्या किया 15 साल में, एक भी काम वो गिना दे तो। आप बताइए समस्या की नहीं है, वो काम नहीं गिना रहे आप, समस्या की नहीं? अरे पूरा सीकर रोड जाम हो जाता है बरसात में, डूब जाता है बरसात के दिनों में, वहाँ इतनी आवश्यकता है कि रोड में पानी के लिए हमने एक्सेंट को एसी को सबको बुलाया कि ये निजात कैसे पाया जाए पानी के लिए, और हमने सीताराम भाई साहब ने हमने मंदिर में गोष्ठी की, सब लोगों को बुलाया, लेकिन वो झूठे ही आवाज लूटना झूठी बात करते हैं। आप गिनाइए समस्या क्या क्या है, समस्याएं बताइए आप इलाके की। समस्याएं यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, जनप्रतिनिधि हो तो समस्याएं बताएं, समस्याएं तो जब बताई जाती है जब कोई सामने आदमी हो। यहाँ विद्यानगर का तो दुर्भाग्य है कि 15 साल तक कोई काम ही नहीं हुआ, और काम अब आप करो, समस्या क्या है मेरे से पूछो, मैं भूखा मर रहा हूँ, समस्या क्या है? भूख पहले तो भूख लग रही है यार, ये आप कपड़ों की बात करो। विकास के कामों की बात करें, कौन कौन से विकास कार्यों की दरकार है इलाके को? सबसे पहले तो सर ये जयपुर की सबसे बड़ी विधानसभा होने के नाते 6 लाख से अधिक लोग यहाँ रहते हैं, सैटेलाइट हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज, आधी से ज्यादा विधानसभा में सड़कें आज तक नहीं बनी है, आज तक बनी नहीं है, उन लोगों का निर्माण तो बहुत दूर की बात है, बनी नहीं है, कागजों में बनी है, विधायक साहब के बंगले पे हैं, और आधी से ज़्यादा विधानसभा में पानी की समस्याएं, जो कि इस बार माननीय हमारे बड़े भाई साहब सीताराम जी अग्रवाल ने अपने बहुत अधिक प्रयास करके 17 नंबर 14 नंबर नींदर हडमाड़ा इनों में पानी की और क्या समस्या बताइए सर। समस्याएं काफ़ी प्रकार की है, जैसे यहाँ पानी, ये
जमीनी स्तर पे ये विधानसभा नीचे होने के कारण या पानी बारिश का पानी का भराव होता है उसका सबसे बड़ा हमारे यहाँ विधानसभा में प्रॉब्लम। जल भराव एक बड़ी समस्या है, इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस बार जनता यहाँ वोट कास्ट करेगी? सर सबसे बड़ा मुद्दा है कि माधव जी राजीव जी साहब कभी जनता के सामने प्रकट नहीं हुआ। आज हमने 15 साल से वीरू सिंह ये जवाई है उनके प्रपट से हमने इनको विजयी बनाया, लेकिन उन्होंने उसका फायदा उठाया, कभी जनता के सामने आके रूबरू नहीं हुए। आज मंगला सरिया वाले सीताराम जी हैं, वो हारने के बाद भी हर दिन प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे लेकर 10 बजे तक प्रत्येक ऐसा होना चाहिए। नया विधायक के की में क्या खूबियां आपको दिखनी चाहिए कि ऐसा होना चाहिए हमारा नया विधायक? नया विधायक ऐसा होना चाहिए जनता के संपर्क में हो, जनता का काम करे, जनता का सहयोग करे और हमारे साथ रहे, आपके साथ रहे। आप बताइए क्या डिमांड है इस बार, जनता क्या मांग रही है, कौन कौन से विकास के काम है जिनकी इंतजार में आपका समय बीत रहा है? सर ये मुरलीपुरा स्कीम में डेवलप हुआ है, ये जो नॉर्थ सिंह जी राजू है विधायक, यहाँ तक जहाँ से जीते तक उसके बाद में अब तक नजर नहीं आए। और यहाँ के पार्षद हैं शैलेंद्र जी, वो भी कभी कभार ये जो पार्क है इसमें गंदगी वाड़ा रहता है, कभी साफ सफाई नहीं रहती है, इसका मेन मुद्दा ये है। और पार्किंग वगैरह की इसमें व्यवस्था नहीं है, दुकानें सब जगह दुकानें हैं लेकिन पार्किंग वगैरह की एक भी समस्या इसमें हल नहीं हो रही। जैसे कोई ठेली ठेले वाला है उनकी कोई ऐसी सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन फिर भी एक ही आदमी को बार बार आप लोग जिता रहे हैं। एक बार वो कमल का चुनाव चिन्ह है जो लोग बार नरव सिंह जी शेखावत की तरफ देखे मान सम्मान उसका वो फायदा लिया जा रहा लोगों से। अच्छा गलत फायदा उठाया। आप बताइए डेवलपमेंट के कौन से इश्यूज हैं जिन पर काम होना बाकी है, विकास के कौन से काम हैं जो बड़े जिनके ऐसा है? पीने के लिए पानी तो है नहीं, लेकिन जब बारिश आती है तब पानी भर जाता है, रोड अपने नदियाँ बन जाती है और पीने का पानी का कुछ हो नहीं पा रहा। हॉस्पिटल है वो प्रॉपर चल नहीं रहे, यहाँ पे जो गार्डन है वो प्रॉपर सफाई हो नहीं पा रही, और यहाँ पे जो यूथ है वो यहाँ पे नशा वगैरह ज़्यादा करता है जिसकी भी कोई देखभाल नहीं होती। रोडें यहाँ पे सारी टूटी हुई पड़ी है, रोड लाइट यहाँ पे काम नहीं करती, बहुत सारे इधर यहाँ पे काम है जो हो ही नहीं रहे। 15 साल से जो आप पूछ रहे हो कि ये हो रहा है ये सिर्फ सिंबल के पीछे हो रहा है, और भैरव सिंह जी की सब इज्जत करते हैं इस कारण भी उनको वोट मिलते हैं, नहीं तो अगर बिना सिंबल के चुनाव लड़ा जाए तो पता चल जाए कितने वोट मिलते हैं। बिना सिंबल के चुनाव लड़ा जाए तो पता लग जाए वोट कितने मिलेंगे, बिना सिंबल के अगर नरपत राज में मैदान में तो कितने वोट मिलेंगे? बात तो सही है, क्या बोलूं रहे हैं इस बारे में कितने वोट मिलेंगे बिना सिंबल के ये मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। बिना सिंबल के नरपत जी अगर चुनाव दोबारा लड़ते हैं कितने वोट मिलेंगे? 4 वोट आएंगे उनके दो बच्चों के, बेटी का, मिसेज का, उसके अलावा आप बताइए। नरपत जी के नाम से वोट नहीं मिल रहे, बीजेपी के नाम से वोट मिल रहे हैं मोदी जी के नाम से। अच्छा। बाकी वैसे और नरपत जी जो विधायक हमारे वो किसी काम के नहीं है। अच्छा ये फिर भी 15 साल से जनता जिता रही है, जिता रही है बस वो एक मोदी जी के नाम से चल रहा है, जनता बावड़ी जी इसलिए बावड़ी है जनता। आप बताइए बड़े काम गिराए गए, सेटेलाइट अस्पताल की बात हुई, सड़कें टूटी पड़ी है, पीने के पानी की, सीवर की कई समस्या, जल भराव एक बड़ी समस्या है, इन मुद्दों को लेकर के 15 साल में जनता ने कभी संपर्क किया अपने विधायक से, उन्होंने कभी बातचीत की? करेंगे कहां से, वो आएंगे सब करेंगे ना, नंबर ही नहीं, मिलने का नंबर ही नहीं है, कहां करेंगे? दो चार घंटे से बैठने वहां मिलने का नंबर नहीं है, वो कभी आते नहीं है कभी जाते नहीं है, उनको तो एक ही बात है मैं 3000 वोटों से ठोकूंगा हर चुनाव में, बात साहब उनकी ये है 30,000 से ठोकूंगा 50,000। आज जो विकास की बात पूछ रहे हो ना आप, जो थोड़ा एरिया इसमें आता है मुरलीपुरा इस बात है, पूरा विद्यानगर इस बात है, सिख रोड पूरा इस बात है, अब आप सब जगह की समस्या देख लो, 6 साल से ब्रिज का काम है अब जाके कोई पूरा हुआ है, ये हमारे विधायक का काम था उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, अब से करोड़ से लगा के यहाँ तक ठेर तक पानी भरता है, ये काम विधायक जी का था उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब पानी की समस्या पीने के पानी की समस्या ये काम विधायक जी का था उन्होंने आज तक ध्यान नहीं दिया। वो विधायक जी बाहर निकलेंगे ना जब पता लगेगा ना, जनता के बीच में जाते ही नहीं है वो, तो बस अपने ठप्पे से जीते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ जब कोई जाता है, मैंने भी सुना था कि वहाँ जब जाता है तो वो बैठा रह करके आ जाता है, लेकिन उनके दर्शन नहीं होते, वो बाहर निकलते ही नहीं है। अच्छा दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा, 1-2 दिन लगाना पड़ेगा, उनको तो जा देनी पड़ेगी उनके। अच्छा, आप बताइए कभी विधायक जी के दर्शन हुए? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से पार्षद प्रत्याशी हूं। अच्छा आप पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस से, तो बीजेपी पर आरोप लगना लाजमी है, लेकिन इलाके के नागरिक है, इलाके के नागरिक होने के नाते बताइए कि आपके इलाके के विधायक जी के कामकाज से कितना संतुष्ट जनता? 15 साल से लगातार जीत रहे हैं वो, संतुष्ट नहीं है सर, और पूरी जनता परेशान है, लेकिन पता नहीं जनता को क्यों, मतलब ये कब समझ में आएगी कि वो सही लोगों को चुने, और हमारे जो पार्षद हमारे यहाँ के जो है प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 के,
उनका तो पता नहीं क्या है कि वो गली में झाड़ू तक नहीं लगवाए हैं। अभी जिस गली में मैं रहती हूँ उस गली में उन्होंने झाड़ू ही नहीं लग रही है। जनता को कब समझ में आएगी, कब सिस्टम सुधरेगा? जनता को समझ में आ रही है सब, वो अब देख रहे हैं। हमारे माननीय सीताराम जी अग्रवाल साहब ने यहाँ बहुत कार्य करवाए हैं। वो पिछला चुनाव जब हारे उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे हर एक आदमी से घर घर जाना है मेरे को, और घर घर जाके उन्होंने आज 180 दिन से वो प्रतिदिन 300-350 घर जा रहे हैं। फायदा मिलेगा उनको? बिल्कुल फायदा मिलेगा। आप बताइए घर 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 जाने का काम विधायक क्यों नहीं कर पा रहे? विधायक इस क्षेत्र में आए ही नहीं, जीते विधायक कभी भी नहीं आए। आखिरी बार कब देखे थे? 5-6 साल पहले देखे थे। देखे गए थे? अच्छा, पहचान जाएंगे अभी सामने आए तो? आप सामने पहचान तो जाएंगे वैसे, लेकिन जनता की भी क्या उम्मीदें थी आपकी जो आपने उनको जिताया पिछले चुनाव में? कुछ उम्मीदें तो होंगी। नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी की वजह से असलियत में उन्होंने विकास कार्य किया, जनता के बीच में कभी आए जनता के बीच में नहीं आए। कहाँ रहते हैं आप? क्या हालात है मुरलीपुरा के? बुरा हाल है। क्या बुरा हाल है? विधायक कारण से बुरा हाल है। 15 साल से जिता रहे हो आप? 15 साल चल के करे तो जिताएंगे ना, वो तो एक मोहर लगानी है, आप क्या नहीं जिताएंगे? क्या क्या काम थे, कौन से वादे, कौन से उन्होंने कौन से वादे किए? एक वादा तो गणा ही करे, काम एक होने। बहुत सारे वादे, तो कोई एक वादा बताओ ना, कौन सा वादा? बोड़ा सड़कों को, पानी को, और चीज को भी बन गई सड़क? नहीं साहब, कुछ नहीं। पानी आ गया? नहीं पानी बनेगा, बिजली आ गई। राम ले, आप बताइए भैया क्या समस्या है, लोग क्या कहना चाहते हैं, लोगों के मन में क्या है? लोगों के मन में क्या होता है? समस्या ही समस्या है। एक समस्या हो तो गिनाए, हजारों समस्या है। ये तो अंधों में काना राजा है, ठीक है, जनता अंधी है, और ये काना राजा एक है जो जब भी चुनाव होता है तो हिंदू मुस्लिम ये सब करके ले जाते हैं वोट। दूसरी बात है, मैं वार्ड पास से आता हूँ, ना वहाँ नालियाँ ना सड़के प्रॉपर तरीके से, और ना कोई स्कूल है ना कॉलेज है। वार्ड पास की ये दुर्गति हो रखी है। वहाँ सारा जो एरिया है मिडिल क्लास में मिल जाता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा वहाँ बिहार यूपी के लोग हैं। तो उसमें क्या होता है, जब चुनावी माहौल होता है तो साहब आते हैं, एक मंच लगाते हैं, अपने शत्रुघ्न सिन्हा या किसी भी फिल्मी स्टार को बुला लेते हैं और आश्वासन दे के चले जाते हैं। उसके बाद में आज 15 साल में मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, मैं भी भूल गया उनको। मैं क्या जनता आप भूल गए? आपने देखा विधायक को? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? 15 साल हो गए लेकिन नहीं मिल रहे विधायक को? देखिए ऐसा है, विद्यानगर विधानसभा भी क्या है, ये विधानसभा इस प्रकार से बनी हुई है, अपर क्लास लोग भी है, लेबर क्लास लोग भी है, जिसे झोटवाड़ा से लेकर पूरा इसमें आता है। यहाँ सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, सरकारी हॉस्पिटलों की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं थी, अब एक अग्रवाल साहब ने अभी ये कोई प्रयास करके काफी लोगों से लग के कन्या महाविद्यालय भी खुलवाया है। तो ऐसा है, विद्यानगर विधानसभा का ऐसा दुर्भाग्य है कि हमारे को ऐसे MLA साहब मिले हैं। अब क्या हो रहा है कि उनको दुर्भाग्य कब सौभाग्य में बदलेगा? देखो ये नरेंद्र सिंह राव जी आते तो हैं, लेकिन कभी कभार आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ काम भी करवाया, ज्यादा तो नहीं। क्या काम कराया उन्होंने? कुछ तो करवाया, जैसे ये पानी की टंकी बनवाई, ये भी बनवाया, 3.5 करोड़ की पानी की टंकी बनाई थी पिछले चुनाव से। अच्छा, और क्या उम्मीदें हैं अपनी, और क्या वादे थे उनके जो उन्होंने पूरे कर दिए और नहीं भी किए? वादे तो खूब किए थे लेकिन पूरे किए नहीं। कौन कौन से वादे थे, बड़े वादे बताओ? सैटेलाइट हॉस्पिटल के बारे में बोला था उन्होंने, वो भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, ये सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है ये कब उतरेगा जमीन पर? कागज में तो है, कब उतरेगा जमीन पर? विधायक साहब वो कर ही नहीं रहे आगे कोई कार्रवाई, पब्लिक के बीच में आते ही नहीं है वो, वहाँ जाते हैं तो नहीं मिलते, पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं, किसी की हंसी खुशी में शामिल नहीं होते हैं, तो कहाँ जाके रोए उनको? एक MLA जीत रहा है पिछले 3 बार से बना और एक टके का काम नहीं किया आज तक। लेकिन हर साल जो MLA लेट का पैसा आता जनता का, वो कहाँ जा रहा है फिर? अब पैसा तो वही जाने कहाँ जा रहा है? आप लोग आप लोग हिसाब लेने का अधिकार जनता को अधिकार नहीं, जनता को क्या अधिकार है? जनता के पास वोट का पावर तो है। यस सर, जनता के पास वोट का पावर है। वोट की चोट देंगे? जरूर देंगे, जरूर देंगे, लेकिन हम तो कहेंगे सर जी सिंधी समाज से हैं, पैदाइशी बीजेपी है, लेकिन ऐसे विधायक होंगे तो बीजेपी क्या करेगी? आप बताइए, जनता तो बार बार विधायक जी को जिता रही है, इतने बेहतर है आपके विधायक? जनता बार बार जिता रही है, लेकिन मैं मुरलीपुरा व्यापार मंडल का महासचिव होने के नाते विगत 15 वर्षों से यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, रोड लाइट की व्यवस्था नहीं है, पार्कों की दशा विधवा जैसी हो रखी है।
विधवा हो जाती है, वैसे इन पार्कों की दशा हो रखी है। पार्कों की दशा तो खराब बता रहे हैं, ये इलाके की तस्वीर बदली है, इलाके की दशा तो अच्छी है। तस्वीर आपके सामने क्या स्थिति है, जो यहाँ पे सड़क का मेरे हिसाब से 15 साल से कोई निर्माण ही नहीं हुआ हमारे इस वार्ड 16 के। सुलभ शौचालय नहीं है हमारे, सुलभ शौचालय के लिए लेडीजें वगैरह बहुत परेशान होती है, जबकि इतना बड़ा व्यापार मंडल है। उसके बाद में उनको कई बार हमने लिखित भी दे दिया, कई बार उन्हें अवगत करा दिया। क्या कहते हैं वो समस्याओं पे, क्या कहते हैं वो समस्या के, ये रहता है ये निगम का काम है, ये जेडीए का है, ये बस सब निगम का जेडीए का काम है। विधायक जी का क्या काम है, क्या काम है विधायक का? विधायक का काम है कि मतलब जनता के बीच में आकर के और उनकी सब समस्याओं को हल करना। अच्छा, कर दी हल उन्होंने? नहीं किए। क्या किया फिर उन्होंने? वो आते ही नहीं है, भीतरी के बाद फूल के कारण जिता देते हैं। फूल, फूल। अच्छा, फूल से जिता रहे हो, लेकिन काम तो किया उन्होंने, वो तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत सारा काम किया। काम नहीं किया, काम किया ही नहीं ना। फिर टिकट मांग रहे एक बार, अभी और टिकट मांग रहे हैं वो तो मांग रहे हैं पार्टी से मांगे, वो तो वैसे विकास के रूप में तो जीरो है, जीरो। काम किया ही नहीं ना, विकास के रूप में जीरो। कितना बड़ा जीरो, कितना बड़ा जीरो? जीरा पूरा है, पूरे इलाके में इलाका जीरो है। अच्छा, लोग यहाँ पर शिकायत थी आपकी, सामुदायिक केंद्र बंद हो गया, कैसे राजनीति सब, इनकी राजनीति सब कर रहा, तो बंदी सब आने दो हमारी जेब में, बस ये जेब में जा रहा है, सब इनकी जेब में जाता है, इसकी जेब में भर गया, जेब में जगह है, खाली है। बीजेपी के जो एमएलए हैं उनसे ये पूछा जाए कि आपने क्या क्या काम किए हैं अपने कार्यकाल में, आप बताइए। ये कह रहे हैं बीजेपी वालों से पूछा जाए कि उन्होंने क्या क्या काम किए, आपने देखा विधायक साहब ने? अच्छा, वो तो कह रहे हैं हमने पूरा एमएलए लड़ का पैसा भी खर्च किया है, लोगों के बीच में कोरोना में भी मौजूद रहे वो, तो उनके कोटे से बताओ ना, फिर बताओ काय ने खर्च किया, बताओ चर्चा में काम किया, वो बात का मलाल है आपको, दर्द किस बात में? 15 साल का जो काम किया तो बताओ, जनता ही साथ में काम किया तो बताओ, काम करे तो पैसे बताओ, या ये कामों को गलत साबित करके बताएं जो हमने किए हैं। क्या काम कर रहा है पार्षद जो बना है, अभी क्या काम कर रहे हैं वो? अच्छा, पार्षद भी काम नहीं कर रहे हैं, नहीं सर कोई भी काम नहीं कर रहा, शिकायत भी कौन इलाके के लोग, आपको क्या शिकायत है? आप शिकायत ही शिकायत है। आप कहते हैं राजवी साहब के लिए, हमने नरपत सिंह राजवी साहब का नाम ही नहीं सुना पिछले 15 सालों से, ना कोई विकास, ना कुछ, ना किससे मिलना ना जुलना, कोई जाता भी है गुवार लेके तो कोई किसी से कोई मतलब नहीं, इसलिए राजवी साहब ने कोई विकास नहीं किया। सीताराम अग्रवाल जी ने जो 4.5 साल में जो काम किया है वो पिछले 15 सालों में काम नहीं हुआ। न्यूज 18 की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर में विद्याधर नगर का सफर पूरा हो चुका है। विद्याधर नगर की गर्मा गर्म बहस हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब जनता वोट करे तो चुन करके, सोच समझ करके वोट करे और जान करके वोट करे कि कौन सा विधायक होगा जो उनके इलाके का काम करेगा। जनता समझदार है, समझ चुकी है, वोट की चोट देना भी जनता जानती है। फिलहाल आज की खास पेशकश में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विधानसभा क्षेत्र में। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मुझे लवली वधवा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।